दांत मोड़ती लेता तो मेरे नसीब में मैरो या गुर हमेशा आता है। कहाँ कहाँ से पानी आ रहा है? नाक से भी पानी आ रहा है मेरे। जो सॉरी पूरा मेस है, लेकिन क्या करें। थोड़ा बहुत ट्रैवल हो गया, थोड़ा बहुत वेजिटेरियन खाना हो गया, अब मन कर रहा है थोड़ा सी फूड खाने का। और जब सी फूड कहते हैं तो मन में क्या आता है? कोंकणी खाना। कोंकणी खाना के तीन भाग होते हैं, एक तो सी फूड, दूसरा कोकोनट और तीसरे मसाले। इसलिए मैं बम्बे में ही हूँ और मैं जा रहा हूँ एक रेस्टोरेंट में जिसका नाम है मासोली लंच होम, और वहाँ मैं कोंकणी खाना खाने वाला हूँ। तो चलो मासोली पूछते हैं खाने में क्या है। तो तैयारी हो रही है मासोली में मासे यानी फिश खाने की। मेरे साथ है अमित। और अमित, हेलो सर। अमित यहाँ शेफ है, रेस्टोरेंट रन करता है सब कुछ, और ये फिश हमारे लिए पकाने वाला है। आपके लिए सर, आपको सबके लिए। अरे वाह, तो करो शुरू करते हैं और बातें भी करते हैं और खाना भी काटते हैं, फिश भी काटते हैं। तो मुझे बताओ अमित, ये जो कोंकणी स्टाइल का खाना है, ओके, उसका क्या स्पेशलिटी क्या है उसका? सर ये बेसिकली कोल्हापुर एंड मालवण, वो दोनों का मिक्स, लाइक बोलते हम मिक्सचर, मिक्स क्यूजिन। हाँ मिक्स क्यूजिन, क्योंकि कोल्हापुर बोलोगे तो ज्यादा करके हिली रीजन है, मसाले ज्यादा होते हैं, स्पाइसी ज्यादा वहाँ पे, स्पाइसी ज्यादा होता है। मालवण या कोस्टल महाराष्ट्र कहोगे तो फिर कोकोनट होता है उसमें। हाँ, तो एक्चुअली मालवण में कैसे है, गीला कोकोनट जो होता है वो ज्यादा यूज होता है। करेक्ट। और मेरा जो क्यूजिन में है वो सूखा खोपरा, ड्राई कोकोनट हम बोलते हैं। और ये जो खाना है ये घर में भी बना पकाते हैं? ऐसा ही पकाते हैं? सेम। अरे वाह सुपर। तो माँ, दादी, नानी, सब मौसी, अत्या, सब कुछ, उनका ही खाना मुझे लोगों को खिलाना है। सुपर। तो ये घर का खाना, घर का फिश, घर का मटन, घर के मसाले, सब मुझे भी खाने हैं। तो चलो थोड़ा खाते हैं कोंकणी खाना। बहुत सारा खाना है मेरे सामने, लेकिन शुरुआत करता हूँ इस प्रॉन से। ये प्रॉन बहुत मेरे पास देख रही थी और बोल रही थी कि मुझे खाओ, मुझे खाओ, मुझे खाओ। मैं खाता हूँ इसको। तो देखते हैं क्या क्या है इस टेबल पे। आपके पहले जो सुरमा है फ्राइड, ये है पॉम्फ्रेट जो स्टफ किया हुआ है, स्टफ पॉम्फ्रेट। यह है क्लैम्स या तीसरा कहते हैं इसे, शेलफिश होता है, मसाला डाल के, सूखा मसाला। ये प्रॉन्स जो आपने देखे कोंकणी स्टाइल मसाले में, स्लाइटली ब्राउन, डार्क ब्राउन मसाला है जिसमें ड्राई कोकोनट रहता है, उसी किस्म के मसाले का ये मटन है। देखो ये दिखाऊं, मटन माय फेवरेट मटन। ये है वड़े, वड़े जो पूरियों जैसे होते हैं लेकिन उसमें मसाला होता है और ये गेहूं के नहीं बनते। यह है प्रॉन पुलाव, और यह है क्रैब, और यह है चावल की भाकरी। तो शुरू तो मैंने किया प्रॉन से, अगर प्रॉन से शुरू किया है तो इस प्रॉन से भी शुरू करते हैं इसको। बाकी थाली में क्या है वो भी दिखाना बहुत जरूरी है,
प्याज है, ये एक बॉइल्ड अंडा है और ये सोल कड़ी है जो डाइजेशन के लिए काफी अच्छी होती है। अभी सुरमे से स्टार्ट करते हैं। फ्राइड है, फ्रेश है, इसका टेंडर मसालेदार, ओह यू कैन एक्चुअली टेस्ट द सी इन द फिश, इतना फ्रेश है ये। फिर ये है क्या, पॉम्फ्रेट। जो स्टफ किया हुआ है, स्टफ एक चटनी से, चटनी डाल के स्टफ किया है इसे। बहुत अच्छे है। मैं मटन पे आ रहा हूँ, लेकिन ये इतना सारा सी फूड है पहले खाता हूँ। क्लैम्स तीसरा या शेलफिश जो कहते हैं, क्रैब मैं लास्ट में खाऊंगा। अब मटन, ये है मटन। और मटन का, मटन हमेशा वड़ों के साथ खाया जाता है। वड़े वड़े, कोंबड़ी वड़े और मटन वड़े। मेरे नसीब में मैरो या गुर हमेशा आता है। कोकनी खाने का एक आइडिया होता है कि बीच बीच में थोड़ा सा ठंडी सोल कड़ी पीनी चाहिए। सोल कड़ी जो होती है वो कोकोनट के फ्रेश मिल्क से बनती है, थोड़ा कोकम जाता है इसमें, मिर्ची वगैरह वगैरह। बहुत टाइम हो गया एक शायरी नहीं बोली, इसलिए अभी अभी आ रही है शायरी। अर्ज किया है, एक करी हो या प्रॉन करी, डोंट वरी बिकॉज देयर इज सोल करी। क्या कैसे लगा, अच्छा लगा ना? अब क्या लू, ये प्रॉन पुलाव है, प्रॉन पुलाव। खाए थोड़ा सा मसालेदार है, टमाटो प्रॉन का फ्लेवर है इसमें, ब्यूटीफुल। और अब आखिर में ये क्रैब। सॉरी पूरा मेस है, लेकिन क्या करें। कहां कहां से पानी आ रहा है, नाक से भी पानी आ रहा है मेरे। थोड़ी प्याज बुझाते हैं बीच में।
लवली, तो ये है मेरा मेरी मेरी कोंकणी थाली। हाँ हाँ, सब मेरे फेवरेट फूड इस टेबल पे है। फ्रेश समुंदर से आए हुए, फ्रेश घर के मसालों से बने हुए और बहुत ही टेस्टी। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा, अगर ये खाना आपको अच्छा लगा, तो यू हैव टू शेयर, यू हैव टू लाइक, आपको कमेंट करना ही है। और आते रहिए, खाते रहिए और हमको पूछते रहिए कि क्या पूछना है, खाने में क्या है। बस हो गया, बहुत खाया। बस मजा डालो। ओके, डन, कूल, वेरी गुड फूड। अंडा प्योर वेजिटेरियन है। ओके, मैं बोल रहा हूँ। ओके, आई ट्राई। तुम्हें कभी देखा अंडा चलते हुए? नहीं, फूल भी नहीं आता। कुछ नहीं, आवाज भी नहीं।